नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट के लिए सिद्धार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राज्यपाल, भारत में 28 राज्य जो हैं और उनके जो है निवर्तमान और जो है नए नियुक्त राज्यपालों की सूची सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों अपडेट्स है, ये अपडेट आप देखते रहें, और अगर आप पहले जानते हैं तो आप एक रिविज़न कर लें कि कौन से राज्यपाल किस मतलब राज्य से संबंधित है। तो चलिए, यह कौन से राज्य से कौन से राज्यपाल हैं, तो करंट अफेयर्स की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों मतलब आपके सामने जो है वीडियोस है, और इस वीडियोस का बहुत ही फायदा उठाइए। तो पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश। देखिए, आपने कभी भी हिंदुस्तान का मैप तो देखा होगा और आपसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो मैंने किया गया है कि याद करने की दृष्टि से, कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे, तो भारत का जो नक्शा होता है तो ऊपर से यानी कि कश्मीर के बाद से हिमाचल प्रदेश से, मैंने हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ऐसे करके जो है नीचे तक साउथ तक गया। साउथ के बाद फिर से मैं आप फिर नॉर्थ की ओर बढ़ा पश्चिम की तरफ से, यानी एक सर्कल हो जाता है क्लॉकवाइज पूरे इंडिया का। तो वैसे ही अगर आप स्टेट वाइज भी देख रहे हैं ताकि स्टेट भी याद रहे कि आप कौन से स्टेट में कौन सा है राज्यपाल है, वो भी अच्छे से याद हो जाए। तो हिमाचल प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन चार है और 4 सेकंड का समय आपके सामने है दोस्तों। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्रन विश्वनाथ अरलेरकर। जी हाँ, ए। प्रश्न नंबर दो है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड जो कि हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है गेस कीजिए। 4 सेकंड के बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। और उत्तर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जी हाँ, ये जो गुरमीत सिंह है लेफ्टिनेंट जनरल है, फुल उनका अगर उपाधि के साथ नाम है। तो नंबर 3 पे चलते हैं, टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का राज्यपाल जब नक्शे के अनुसार मैं यहाँ बता रहा हूँ, जी हाँ इंडिया मैप के अनुसार। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। जी हाँ, 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय आपके सामने है। उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है, सबसे बड़ा आबादी के अनुसार राज्य भी है, और ये है आनंदी बेन पटेल। जी हाँ दोस्तों, आनंदी बेन पटेल जो कि कभी गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार के राज्यपाल कौन है। जी हाँ, बिहार के राज्यपाल और बीपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जो कि आने वाले 68 भी है, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये राज्य, बिहार मतलब राज्य जो है राज्य के राज्यपाल, खासकर बिहार के संदर्भ में दोस्तों। उत्तर है बिहार का जो है, बिहार के राज्यपाल ऑप्शन सी हो जाएगा, फागू चौहान। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, और बिहार के जस्ट नीचे, और जाहिर सी बात है आप जान चुके हैं कि पहले एक ही साथ था लेकिन अब बढ़ चुका है। तो ये झारखंड के नए राज्यपाल कौन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। और ये क्या क्या होता है, कभी 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 लोग गलती भी कर बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें तो आप ऑप्शन डी तो रखेंगे नहीं। 4 सेकंड का समय मैं देता हूँ, 3 ऑप्शन में से पहचानिए। यहाँ तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रमेश बैस। प्रश्न 6 है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ये क्यों किया गया, लेकिन 4 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ये उपराष्ट्रपति बने थे यहाँ के, जगदीप धनखड़ है ना, वो तो उनके राष्ट्र उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद जो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस को जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। जी हाँ, उड़ीसा के राज्यपाल, और 4 सेकंड का समय आपके सामने। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गणेशी लाल। जी हाँ, गणेशी लाल। प्रश्न नंबर 8 है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है।
4 सेकंड के बाद मैं आपका जवाब दूंगा। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यानी विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट 9वें नंबर पर चलते हैं। और देखिए ये जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, उसके बाद तेलंगाना का आता है, तो तेलंगाना को देखते हैं। तो आप पूरे नक्शे को राज्य बार यानी राज्य के अनुसार याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से फिर जो है उत्तर, मतलब कि पूरा क्लॉक वाइज घूम लेंगे हम लोग। देखिए आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जो कि साथ में लगा हुआ है, तो तेलंगाना भी देख लेते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? 4 सेकंड बाद मैं जवाब दूंगा, 4 सेकंड का इंतज़ार कीजिए। और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, डॉक्टर तमिलसाई सुंदर राजन, जी हाँ ऑप्शन ए। चलिए तेलंगाना के बाद अब सीधा चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु के राज्यपाल 10वां है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं दोस्तों, 4 सेकंड का इंतजार कीजिए, जानते हैं तो बताइए। ऑप्शन डी आर एन रवि। प्रश्न नंबर 11 है, केरल राज्य, जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया का सबसे दक्षिणतम राज्य है केरल। केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? जाहिर सी यह बात है, 4 सेकंड का इंतजार करना ही होगा आपको, ये तो आप जवाब अपने मन में सोच लीजिए। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान केरल राज्य के राज्यपाल हैं। चलिए केरल के बाद अब फिर से वापस चलते हैं, जो कि क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं, ऊपर की ओर यानी कर्नाटक साइड से चलते हैं, जो कि देश का पश्चिमी एरिया है, जो कोस्टल वाला एरिया है, उधर से चलते हैं हम लोग, देखते हैं केरल के बाद। प्रश्न नंबर 12 कर्नाटक, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? और ये देश का पश्चिमी एरिया है, केरल के बाद जस्ट उसके केरल के ऊपर में स्थित है ये, और 4 सेकंड का समय आपके सामने है। उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, थावर चंद गहलोत, जी हाँ थावर चंद गहलोत। प्रश्न नंबर 13 है गोवा, जी हाँ गोवा जो कि एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ सब कुछ महंगा ही है दोस्तों, तो गोवा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है, सोचिए 4 सेकंड का इंतजार करेंगे ही ताकि आपके दिमाग में कुछ बात चले, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी एस श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, जी हाँ प्रश्न 28 राज्यों में से 14 राज्य हो चुका है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? बहुत ही विवादित अभी रहा है कुछ समय पहले महाराष्ट्र, और यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका बहुत ही बढ़ गई थी दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन, 4 सेकंड का इंतजार कीजिए, ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, जी हाँ बी भगत सिंह कोश्यारी, आपने सही सोचा था अगर आपने भगत सिंह कोश्यारी के बारे में सुना है तो। प्रश्न नंबर 15, जी हाँ 15वां प्रश्न का उत्तर क्या? गुजरात, जी हाँ गुजरात राज्य मोदी का गृह राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, और जाहिर सी बात है आनंदी बेन पटेल कभी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है? 4 सेकंड का समय आपके सामने है, और जी हाँ उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत, जी हाँ आचार्य देवव्रत। दोस्तों प्रश्न जो है 16वां और राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ पे विवाद हुआ था मुख्यमंत्री को लेकर, और जाहिर सी बात है अशोक गहलोत ने जो है इस्तीफा देने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और चूँकि खेल कुछ और हो गया। उत्तर क्या है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय आपके सामने। उत्तर है तो ऑप्शन सी, जी हाँ कलराज मिश्र। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है राजस्थान के जस्ट ऊपर है पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कौन है ये देखते हैं, क्या आपको अभी से दिमाग में आ रहा है क्या कि पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन क्या होगा बताइए, 17 का
और पंजाब, जी हाँ पंजाब के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 4 सेकंड के बाद ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित। जी हाँ बनवारी लाल पुरोहित। प्रश्न नंबर 18 है हरियाणा, जी हाँ दोस्तों हरियाणा, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? उत्तर है, 4 सेकंड का इंतजार कीजिए, ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बंडारू दत्तात्रेय। ये हरियाणा है। अब देखिए राज्य की दृष्टि से ये सब आपने देखे कि जो प्रमुख राज्य थे, जो क्लॉकवाइज आपने देखा कि भारत के नक्शे के अनुसार, अगर भारत के नक्शा को आप समझ लीजिए कि कैसा होता है उसके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में जरूर होगा कि भारत का नक्शा होता कैसा है, उसी हिसाब से चला है मैंने। अब देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश। जी हाँ तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और ये भारत का दिल कहा जाता है, जो कि दो हिस्सों में बट गया, एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो एक हिस्सा ये कह सकते हैं बायां हिस्सा है और दाहिना हिस्सा भी देखेंगे। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश, इसका राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है और आंसर है 4 सेकंड बाद, जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। प्रश्न नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? चार ऑप्शन है, मात्र 4 सेकंड का समय आपके साथ। यह सो उत्तर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुश्री अनुसुईया उइके। सुश्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के हैं राज्यपाल ही। अब देखिए ये तो पूरा राज्य हो चुके हैं, अब नॉर्थ ईस्ट बसता है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में जो है 7+1 8 राज्य है, सबसे छोटा मतलब कह नहीं सकते आबादी के अनुसार सबसे छोटा राज्य भी वही है, और बहुत खूबसूरत राज्य है नॉर्थ ईस्ट। खासकर अभी जो है एक एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ था राज्यपाल में, तो वो कौन सा एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बताइए वो कौन सा राज्य है, और उस एयरपोर्ट का नाम बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों प्रश्न नंबर, जाहिर सी बात है 21वां, और ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर है इसका स्थान, पश्चिम बंगाल आपने देखा है उसके ऊपर है, तो दोस्तों 21 में है। और ये देखिए सिक्किम, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? यहाँ सिक्किम के राज्यपाल कौन है बताइए, अगर आपको पता है तो, 4 सेकंड का समय आपके सामने। और दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल जो है वो है ऑप्शन सी, या सी गंगा प्रसाद। चलिए इसके बगल में है दोस्तों कौन सा राज्य? असम है, लेकिन मैं आपको पहले अरुणाचल, जो कि सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर का एरिया है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें सबसे ऊपरी राज्य यही है, और चाइना का इसके साथ बहुत विवाद भी चलते रहता है, तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे दोस्तों। 22 नंबर में है कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ऊपर में नॉर्थ ईस्ट में, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल BD मिश्रा, ये हैं दोस्तों, BD मिश्रा है, और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपरी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद असम में आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, असम के राज्यपाल कौन है? जी हाँ असम, असम राज्य के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आंसर है बताइए, दोस्तों असम के राज्यपाल कौन है? जी हाँ असम राज्य के राज्यपाल कौन है? और चार ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय आपके सामने। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर जगदीश मुखी। जी हाँ प्रोफेसर जगदीश मुखी। प्रश्न नंबर 24, मेघालय के राज्यपाल कौन है? जी हाँ मेघालय राज्य, जो कि असम के नीचे है, और यहाँ का राज्यपाल
जो कि अतिरिक्त प्रभार में है, यानी कि किसी और राज्य के भी राज्यपाल हैं, उत्तरेश। तो ऑप्शन 4 सेकंड का इंतजार कीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या? यस, तो ऑप्शन डी बी डी मिश्रा, बी डी मिश्रा। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड जो कि मणिपुर से सटा हुआ है, एक दूसरे से आसपास में ऊपर नीचे है, नागालैंड राज्य के राज्यपाल कौन है? 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय आपके सामने दोस्तों, और उत्तर है 4 सेकंड के बाद। यहाँ उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर जगदीश मुखी। जी हाँ, प्रोफेसर जगदीश मुखी। अब चलते मणिपुर पे, मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है बताइए, सोचिए अभी से। प्रश्न नंबर 26, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य के मेघालय और मणिपुर जस्ट इसके देखिए मेघालय के बगल में आपने देखा नागालैंड, नाग और नाग के ऊपर मणि होता है, इस हिसाब से देखिए कि एक आसपास, तो मणिपुर यहाँ हो गया, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, और आंसर है 4 सेकंड बाद। जी हाँ, आंसर है ऑप्शन डी, एल गणेशन। जी हाँ, एल गणेशन। प्रश्न नंबर 27, मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम जो कि रह सकते हैं सबसे नीचे में नॉर्थ ईस्ट में, और इसके और सबसे नीचे में बाएं साइड में, ठीक है, और मिजोरम के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड के बाद मैं जवाब दूंगा, इंतजार कीजिए। सो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर कम्भम पति हरिबाबू, डॉक्टर कम्भम पति हरिबाबू। अब लास्ट राज्य है तो वो कौन सा राज्य है, सोचिए नॉर्थ ईस्ट का। प्रश्न नंबर 28 है तो त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है बताइए, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है दोस्तों? उत्तर है, 4 सेकंड के बाद जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी, सत्यदेव नारायण आर्या त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये पूरे मैप के अनुसार जो है व्यवस्थित करके मैंने आपके सामने लाया, ये वाला सेशन कैसा लगा आपको? दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी की जरूर दबाइएगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।